ਸੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਔਰ ਲੀਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਇਲਾ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਦਿੰਦਾ ਪਏ ਔਰ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਦਿਕ ਵਲੌਗ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਟਾਈਮ ਖੜਿਆ ਦੀ ਰੋਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਬਾਈਪਾਸ ਉਤੇ ਨਜ਼ ਪਕੀਜ਼ਾ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥਿੰਦਾ ਪਏ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰੋਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥਿੰਦਾ ਪਏ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਉਹ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਮਿਲਵੇ ਨੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਲਵੇ ਨੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜਾਂ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਗਿਨੋ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਗਿਨੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ निशान भाई जनाब फेसबुक पे काफी क्रिकेट में इनकी खिदमत है ये अपने भी इस तरह की लीग करवाते हैं आजकल ये एक ये इमाम फादी जो पहले विकेट लेते थे आज अभी तक विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए क्योंकि बड़े एक ऑफिसर की हैसियत से जनाब मोहम्मद अयूब नजीर हैं और ये अगली सिग्नल वाइड बॉल अगला बॉल अहमद रफीक अंपायर को क्रॉस किया बॉल और ये कैच का चांस और ये कैच गले बन्नू की बड़ी ओ माय गॉड हाई स्कोर बड़ी विकेट ले रही है स्कोर बन्नू भी आउट आप ब्राह्मण ने आख्या एक फिर हाई बॉल किया अच्छा बॉल अंपायर का इशारा हुआ रफीक बेहतरीन तरीके से बड़ा ओ का पसोला बड़ा दिशा में बॉल किया ओ अच्छा बॉल है विशाल का लगता तो ऐसा है कि ये राजस्थान वाले ब्रेक पैक को मैच नहीं देते वाकई ही राज जैसे जरूर जोश पैशन बलबला मेहनत तगो दो इनकी नजर आती है इन्होंने जो मीटिंग की थी पिच पर मैं देख रहा था कि इन लोगों ने दो घंटे ही का नारा लगा देता आए बॉल की और खेल गया हमारे प्यारे भाई जनाब अफजल खान बलोच साहब दुबई वो भी तशरीफ लाए हैं अच्छा बात था समझ लेते हैं इम्तियाज माथुर और हमारे प्यारे आप इस गिरोह को बनाए और यहाँ पर अपना जो क्रिकेट का मेला है बंदे ने जिसका नाम है राणा मोहम्मद तंजील उन्होंने सब कुछ किया और आज ये मेला अपने एकता में मैच में किया गया है उसके लिए इम्तियाज माथुर अशोक सोफा अच्छी बोल आए बोल गया अच्छा बात है देखेंगे ओ अच्छा था
शमशाद भाई आप देख रहे हैं हमारे प्यारे भाई जनाब इम्तियाज सादिक विल्लूग चैनल यूट्यूब चैनल का नाम है, तो ये आज यहाँ तशरीफ लाए हैं हमारे रिक्वेस्ट पर और वो आप शुक्रिया शमशाद आज आप क्या खा के आए हो? अब एक बाल बिल्कुल भी नहीं आते मैच के बोल कर दिया वो देखो आप बेचारी अच्छा आए बात हमारे को हमारे क्यों चाहते थे लगा अच्छा बोल अच्छा सर हम लोग के यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाए क्योंकि हमारे मेहमान आने वाले हैं हम उनको वेलकम सरजमल सरजमल कराउड देखे यार किसी मैच में नहीं देखा मेरे मैदान हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं इतना बड़ा क्राउड इन लोगों की वजह से आज इतना बड़ा मेला सजा हुआ है मैनेजमेंट के लिए बुटा कह रहे हैं कि आप प्लीज खेलते की जीत बने आ जाए सीएल अशरफ का और खेल के माफी में छह रन के लिए नहीं पैकेट देने हैं जो मुरसलीन और सरफराज से गुजारिश है कि यार आप भी इधर आ जाएं आप भी एचपीएल का हिस्सा थे यार जी तो व्यूअर हम तो दे पे आवे एचपीएल हैप्पी प्रीमियर लीग ते जेड़े चीफ गेस्ट हैं रोहिला वाली सर जमीन दे उम्मीदवार चेयरमैन हैं रोहिला वाली दे रो तैयब साहब वो तशरीफ गिन ते नाल ही साढ़े नाल जो ना चीफ गेस्ट हैं जेड़े स्टार खान साहब वो भी तशरीफ गिन जी तो व्यूअर्स हूँ दे पे वे के उन्हें चीफ गेस्ट का इस्तकबाल किया वेना पे उम्मीदवार एंड चेयरमैन की सीट वास्ते रो तैयब साहब वो तशरीफ चुके हैं जेड़ा ना हैप्पी प्रीमियर लीग को ज्वाइन कर चुके हैं ते आज दे जेड़े जे मेन मैन ऑफ द मैच हैं और जेड़े क्रिकेटर जेड़े परफॉर्मेंस अच्छी की थी उन्हें कुछ चीफ गेस्ट जेड़ा ना आज मुबारकबाद दे सन और इनामात तकसीम करे सन सर नाल जुड़े रहो तो अगो जेड़ा ना दिखे ना कि जिवें जिवें इनामात तकसीम करे सन ना वो तो अगो जेड़ा ना इंशाल्लाह लाइव दिखे दे आपके सामने राव तैयब हसन इंशाल्लाह उम्मीदवार चेयरमैन जमीन का बहुत बड़ा नाम सियासत का बहुत बड़ा नाम राव तैयब हसन आपके सामने स्टेज पर जीवित बने हुए आज का फाइनल का मुकाबला किया था और इन्हीं लोगों के खिदमत की वजह से ये एचपीएल सीजन का वन का ये टाइटल अपने खिताबी बगैर में दाखिल हो चुका है ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਨਾਬ ਜਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਚ ਪੀ ਐਲ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਿਦਮਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਈ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਰੋਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਥੀਂਦਾ ਪਏ ਆਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਆ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਰ ਜਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪ ਸੁਣਾਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਛਾ ਜਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਥੀਂਦਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਕੋ ਦੇਖ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਵੇ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰੋਹਿਲਾ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਤੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਿਲਜੁਲ ਖਤਮ ਥੀਂਦੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਸਜਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੇ ਭਈ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਲੀਗ ਕਰਵਾਉਂ ਆਪਣੇ ਰੋਹਿਲਾ ਵਾਲ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਹੈ ਅਸਾਂ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਕੋ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਸਾਂ ਆ ਕੇ ਸੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਖੇਡ ਗਏ ਤੇ ਅਸਾਂ 8 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਏ ਸੇ ਹਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 14 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਹਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹਰ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਵਾਲ ਪਲੇਅਆਫ ਹੈ ਪਲੇਅਆਫ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਵਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀਏ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕੁਛ ਸਹੀ ਅਸਾਂ ਰੋਹਿਲਾ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਬਾਦ ਕਰੂ ਸਰ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਹੈ ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆ ਸੇ ਫੁੱਲ ਤਗੜਾ ਗਰਮੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਬਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਕੋ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਸਰਦੀਆਂ ਵਨ ਕੁਝ ਗਰਮੀਆਂ ਵਨ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਾਂ ਸਰ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਬਣਨ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਾਇਕੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤਾੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਤ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਆਰਿਫ ਖਾਨ ਬੁੱਟਾ
जनाब ये रिजवान भट्टी साहब सोशल मीडिया वर्कर हैं सारे बहुत बड़े इन्हें बड़े खिदमत हैं सारी एच पी एल के नाल उस्मान मलिक हैं अवैस मलिक हैं सरफराज सियाल साहब हैं नाल नादर खान हैं एहसान करीम हैं चौधरी मोहम्मद वसीम साहब हैं इन्हें लोगों की कावश नाल सारी मीटिंग थी गई ती असं एच पी एल का सीजन करवाया से सर इंशाल्लाह सारी ये कोशिश जारी रहा सारे बिरावे का आप इतफाक रहा और असं हर साल इवेंट करवाते रहा इतना इन्हें शुक्रगुजार हैं कि रोहिला वाली शहर के क्रिकेट टूर्नामेंट थी पे और असं उम्मीद कर रहे हैं कि इो जो स्पोर्ट्स गाला और स्पोर्ट्स जरा ना नौजवान नस्ल को ई तरफ रागिब करके अस मैदान रहेंगे आबाद तो वीरान रहेंगे हस्पताल फैक्ट्री ये आए हुए दोस्त इनका हम बेहद मशहूर है। इन्होंने एक महीना हमें फ्री बिजली प्रोवाइड की। ये जो आप देख रहे हैं कारखाना से लगा हुआ जाली का हैंडशेक होगा आपको नजर आ रहा है। शायकी ने क्रिकेट से गुजारिश है कलैपिंग कर दे इन दोनों टीमों के लिए चलो कलैपिंग कर दे एच पी एल के लिए कलैपिंग कर दे जिन्होंने ये मेरा सजाया और आपको ये आउटिंग प्रोवाइड की। आप भी मेरे काल में नाजुक हो रहे हैं राइजिंग स्टार वर्सेस मेहमान खसूसी चीफ गेस्ट हैं रो तैयब साहब नाल सितार खान पठान साहब ये हैंड शेक करते पे जे टाइम मौजूद हैं दूर दूर तो जड़े ना साढ़े खिलाड़ी राइजिंग पाकिस्तान राइजिंग स्टार के ना तू जी एक टीम है ते बी ब्रेव टाइगर के ना तू जी टीम है इन्हें हैंड शेक थींदा पे और थोड़ी ही देर बाद चीफ गेस्ट इंशाल्लाह जरा ना इनामात तकसीम करे सन जिन्होंने अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस की है वो इनामात इन्हों के हकदार हो सन। हाँ जी बेहद मशहूर है एचपीएल के जिन्होंने ये मेला सजाया। ये जी इख्तितामी मराहिल आपके सामने आप जी मार्कस सजाया है राइजिंग स्टार ने अपने फाइनल मैच है और राइजिंग स्टार इन टाइम अपनी मेहनत के नाल जीत चुकी है और ये ग्राउंड के जश्न का समा है। ये क्रिकेट के शौकीन जो थे बाहर थे वो इस वक्त अपनी टीम को ये मुबारकबाद देने के लिए ये ग्राउंड में आ चुके हैं। ये देखें ये ग्राउंड में आ चुके हैं जो शौकीन बाहर थे वो इस वक्त ग्राउंड में आ चुके हैं और अब मुबारकबाद दे रहे हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है वो जीत चुके हैं। और राइजिंग स्टार जो है इस वक्त अब ये मार्का बड़ा मार्का जो था वो जीत चुकी है और अपने नाम कर चुकी है। ये देखें जश्न मनाया जा रहा है राइजिंग स्टार जो थी वो जीत चुकी है और ग्राउंड में बड़ी तादाद में शौकीन आ चुके हैं जिसकी वजह से वो मार्का ये बड़ा मार्का था वो जीत चुकी है फाइनल और इसलिए जश्न मनाया जा रहा है और अपनी टीम को मुबारकबाद दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टार राइजिंग जो कि इस वक्त ये बड़ा मार्का जीत चुकी है और फाइनल अपने नाम कर चुकी है। हमारे साथ हैं उन स्टार राइजिंग के कैप्टन आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कैसे मेहनत करके इस फाइनल तक पहुंचे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ आपके। अच्छा आप ये बताइएगा कि आपने कितनी मेहनत की है इस मार्के को जीतने के लिए और अपने नाम करने के लिए? असा बहुत मेहनत की थी है, यंग टैलेंट है सारा। मेरे नाल मौजूद हैं कुछ शौकीन जेडे के मैच को एंजॉय करने पे उन्हें को पूछते हैं भी किवें एंजॉय किए ने और ये जो सीजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। शहबाज भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शहबाज भाई ये दसो कि ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट और लीग होना चाहिए ने रोहिला वाली दे विच? बिल्कुल सी है, हर 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद वैसे भी होने चाहिए ने लोगों वास्ते बड़ा एंजॉयमेंट नहीं होना। अच्छा तो क्या महसूस कर रहे हैं इन टाइम इतना? बहुत वाला बहुत प्यारा कर रहे हैं साढ़े दो तरह लड़के माड़े के बीचों जड़ा अहमद जाम अहमद थी गया अशरफ खोसा थी गया आदि भाई थी गए बहुत अच्छे प्लेयर हैं साढ़े बहुत ही तक मशहूर थे और जीत चुके हैं। बहुत जीत चुके हैं बिल्कुल सी माशाल्लाह जी। शौकीन है क्रिकेट दे और आओ इन्हें को पूछते हैं भी क्या महसूस करने पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जान क्या महसूस करने पे रोहिला वाले दे विच क्रिकेट दी जेड़ा ना ए बहुत अच्छी लीग थई है? नहीं नहीं ऐसे इकदाम होने चाहिए रोहिला वाले दे विच ताकि जेरी नौजवान नस्ल है ए कोई दूजी सरगर्मी विच मुलव्वस न थी वे। माशाल्लाह जी।
तो हमने प्राप्त की है ए कैटेगरी बी कैटेगरी सी, तो टीमें हमने लेवल बनाई थी 19-20 का हर भारत में रहता है। उसके बाद हर टीम को एक एक मैच था, 7 मैच थे, 7 मैच में से जो टीम जीती थी वो प्ले ऑफ में चली गई। प्ले ऑफ में 2 मैच हुए, एक और हमारे मेहमान खुशी जैसे हमने आपको बताया था, बोल रहे हैं इस लीग के, और ये ट्रॉफी चीफ गेस्ट सितार खान से वसूल कर रहे हैं स्टार से है, और उनको जो है ना ये नादिर खान भुट्टा साहब जो है वो और साथ में जो है ना इनको कैश अवार्ड भी दिया जा रहा है। राइजिंग स्टार को जो है ना ये चीफ गेस्ट जो है ना ये मेडल पहना रहे हैं, गेस्ट जो है वो इन लड़कों को जो है ना मेडल पहना रहे हैं जो कि जिन्होंने बहुत अच्छी काम की है। नहीं ये चीज नहीं, आपने खामोश रहना है, मेहमान खुसूसी यहाँ पे मौजूद है, ये बिल्कुल ये हरकत बिल्कुल नाजायज होती है सर, आप सपोर्ट मैन इस चीज को समझते हैं जी। ये है हमारे अहमद रफीक सर, इंशाल्लाह ये लड़का काफी ऑल पाकिस्तान खेलने को तैयार हो रहा है। आप मेरे गुजारिश है प्रेम पैगर के कप्तान से कि बहुत प्यारे इंसान बिल्कुल जैसे आप मैदा ले रहे हैं वैसे आप बिल्कुल मुनकम तरीके से बैठेंगे, एक दो सरमन के लम्हात रहते हैं फिर इसके बाद आपको छुट्टी। लम्हात चल रहे हैं, आखिरी इनाम तकसीम हो रहे हैं एसपीएल सीजन 1 के। हम सितार खान से गुजारिश करेंगे कि प्लीज आप भी तशरीफ लाएं सितार खान, क्योंकि अजानें हो रही हैं, टाइम बिल्कुल बहुत कम है। पजीर ई सुपर एचपीएल सुपर लीग दी इख्तामी तकरीब, उन्हें वे चीफ गेस्ट रोह तैयब और सितार खान जो है ना ये जड़े ना ब्रेव टाइगर्स कैप्टन को जो है ना ट्रॉफी, और ए जी ने राइजिंग स्टार दे ई टाइम जड़ी विनिंग टीम है उन्हें को जो है ना ये ट्रॉफी दी में दी पी है। चीफ गेस्ट रोह तैयब साहब खुद अपने हाथ के नाल और सितार खान पठान जड़े के ना इन्हें को ट्रॉफी। वालेकुम व्यूअर्स, हूँ ई टाइम रोहिला वाली दे एचपीएल हैप्पी प्रीमियर लीग दे इख्तामी पजीर दे चीफ गेस्ट साढ़े नाल उम्मीदवार चेयरमैन रोह तैयब साहब मौजूद हैं, उन्होंने को पूछते हैं भी क्या महसूस करें दे पेन एचपीएल हैप्पी प्रीमियर लीग दे विच आके। इंशाल्लाह भाई साहब, पहले तो मैं खास तौर पर इंतजामिया का बड़ा यकीन करो बड़ा खुश थी हाँ इंतजाम देखते असा वैसे भी अक्सर मैच वगैरह देते हैं माशाल्लाह ये बहरहाल सारे को अच्छा पता गए मैं इन्हों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता तो इन्हों का बड़ा इंतजाम बहुत अच्छा है। बाकी खेल के हिसाब न भाई सवाल किते बाकी साकू आप ही महसूस थे कि इतना रूलों वाली बिच खेल का कोई इंतजाम कह नहीं जिंदी वजह को सब को खेल की नाकामी या खेल की ग्राउंड की ना होने की वजह को असा बाकी माजरत खाएं इंशाल्लाह अल्लाह पाक साकू इज्जत दी और इंशाल्लाह पहले मेरी तरजीह हो सी इंशाल्लाह कि खेल के बारे में अच्छा ग्राउंड वगैरह या अच्छा इंतजाम हो सी इंशाल्लाह। बाकी खिलाड़ी हमेशा हार जीत का हिस्सा है, ये जीत वाली भी जीत है हार वाली भी जीत है। मैं दोहें को मुबारकबाद पेश करदा और इंतजामिया को हटते जेड़ा इनामात की वजह को हटते मैं अपनी तरफों दोहें टीमों को अपनी 5,000 रुपये का अपनी तरफों इनाम लेना ते बाकी रह गया थोड़ा इंतजाम इनाम वगैरह जो भी हो सी भाई जरूर जान ठीक है। बड़ी मेहरबानी।